जय श्री कल्कि भगवान की, सभी भक्तों को जय माता की। मुझे आज आप सब लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है या एक मैसेज देना है प्रभु का। वो ये है कि आप सब लोग कब से पुकार कर रहे हैं, आप लोगों को अपने कल्कि जी पर कितना भरोसा है। ये अंतिम समय चल रहा है, आप लोगों की सबकी परीक्षाएं ले जाएंगी और लेते, ये जो कलयुग है ये लेता हुआ आ रहा है, आप सब जानते हैं। और कल्कि महामंत्र पढ़ने से आपको स्वयं ही पता चल जाता है कि वो परीक्षा में आप सफल हुए कि आपने कहाँ गलती की कहाँ नहीं की। लेकिन अब ये गलतियों का समय जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। अब वो शीघ्र ही दर्शन देना आरंभ करने वाले हैं। कौन किस पे कितना विश्वास करता है ना? आप सब लोगों को भूल जाइए, आपको सिर्फ कल्कि भगवान जी पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अब वो दर्शन देना आरंभ करने वाले हैं। एकत्रीकरण का कार्य शुरू होने वाला है, क्योंकि अब प्रलय को रोका नहीं जा सकता, खंड प्रलय होना ही है। तो आप लोग से बस एक अनुरोध है कि कोई भी आप लोगों को डगमगाने की कोशिश करे, आप लोगों भगवान ही या कलयुग आपके जीवन में किसी न किसी इंसान को या किसी को भेज कर आपके आपका परीक्षा लेना चाहें। क्यों? क्योंकि वो तोड़ने की कोशिश करेगा सब भक्तों को, जो कलयुग है, कली या उसके जो लोग हैं, जो इंसान होकर भी वो अब इंसान नहीं रहे, वो राक्षस ही थे। और कुछ लोग जो थे वो भक्त हैं, भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो उनको भी फंसा रहा है। कहाँ कहाँ? जहाँ पर भक्तों की इच्छाएं थीं। आप सभी, अभी मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए। कैसे? त्याग कर दीजिए, भगवान के चरणों पर समर्पित हो जाइए। आप लोगों को अगर जो ये उम्मीद करता है कि हमें बस सुखी सुख मिले और उसकी कामना से अगर आपको कोई लालच दे तो आप उसमें बहक जाएंगे। आप मुझे बताइए कि कल्कि भगवान यहाँ जब भक्तों के लिए आए हैं, तो अगर आप सुखी होने का ये कामना करते हो तो ये भी तो एक कामना है ना। चाहे वो दुख दें या सुख दें, आपको ये लेना है। आप वो देखिए, हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, वो जेल तक चले गए लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी पत्नी, उनको कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, तभी भी वो कभी भी उनके मुंह से कोई शिकायत नहीं निकली प्रभु के लिए। सिर्फ वो यही कहते थे, प्रभु जैसे आज चल रहा है कल भी चल जाए, है ना। हर रोज प्रभु की कृपा से चलता रहा उनका। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, तो मुझे लगा यहाँ पर भी भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लोग आज भी इच्छाओं की कामना करते हैं। वो पढ़ते तो हैं कल्कि महामंत्र, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा है कि 10 साल बाद मेरा बेटा भी ऐसी कल्कि कीर्तन मंडल में भजन गाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल बाद मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, 3 साल बाद मेरा बेटा ये बन जाएगा, उसको बाहर विदेश पढ़ने जाना है तो अगले महीना। क्या ये मजाक चल रहा है? आप मुझे बताइए, आप सब, क्या ये मजाक चल रहा है? आप लोग कल्कि महामंत्र पढ़ रहे हैं और उनको प्रकट करने के लिए जो आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक तो आप प्रकट करने के लिए कर रहे हैं भगवान शीघ्र दुनिया को खत्म करो, फिर इच्छाएं कैसे पाल सकते हैं? जबकि आप सबको पता है कि अभी 2026 तक पूरा सब कुछ बचे, मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ काम खत्म हो चुका होगा। और अभी से ये 2023 से जो जुलाई के बाद का समय है, वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने वाला है। तो आप एक जो इच्छाएं पाल के बैठे हैं, तो प्रभु को कितना दुख होता है आप सब जानते हो। आप जो एकदम, जैसे हमारे पद्मा गोयल जी हैं यहाँ पर, बहुत हमारे आदरणीय जी, हमारे भैया, वो इतना चीख चीख कर आप लोगों को सबको बताते हैं। हमारी संजू दीदी, सभी लोग, आप देख रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं सब कुछ, कितना वो लोग को। आप जाते हैं यहाँ से, जो भी जाता हो, अगर आपके मन में इच्छा है, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कहीं कहीं से सुनने आया कि भक्तों में अभी वो जो इतने 50 साल से 30 साल से भी जो कल्कि महामंत्र पढ़ रहे हैं, उनमें भी इच्छाएं हैं। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? तो कैसे आएंगे कल्कि भगवान, कैसे दर्शन देंगे आप लोगों को? आप सब जानते हो कि हम जैसे भक्त और भी ना जाने जितने गुप्त भक्त हैं, वो कितनी तरसते हैं, हर एक एक सेकेंड इतना भारी होता है हम पर। हमें भगवान यही बताते हैं कि मेरे जो और भक्त हैं, वो तो इच्छाओं में पले हैं, उनको समय देते देते इतना डिले करवाया गया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी है भगवान ने जैसा दिया है, क्योंकि अगर आपको सुख होगा तो आप लोग पुकार कैसे कर पाओगे? जब जब भक्तों पर कष्ट आए, जब जब भक्त ऐसे पीड़ित रहे, तभी कलयुग भी कटा है उससे। और आप लोगों को तो एसी में बैठने का मौका मिल रहा है, कार में से, कार से जाते हैं आते हैं, खाने को अच्छा खाना है, देने के लिए दान है, सब कुछ है, फिर भी आप लोगों को इच्छा है। ये कैसी इच्छा है? कलयुग को क्यों नहीं परास्त कर देते आप अपने अंदर से? क्यों नहीं मार देते उसको? क्यों इच्छा का त्याग करके देखो एक बार, फिर देखना जो आपकी भक्ति बढ़ेगी ना, जो समर्पण कर दो ना,
समर्पण कर दो कि हाथ में एक रुपए भी ना हो वो मेरे साथ खड़ा है, छत भी ना हो ना तो भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो साथ है, वो आ जाएगा हमें लेने के लिए। ये विश्वास रखना पड़ेगा, तब आप लोग वो होगे। कोई भी आ रहा है आप लोगों को, कोई दूसरा महामंत्र दे रहा है कि आप ना कल की महामंत्र पढ़ रहे हो तो ये भी मंत्र पढ़ लो, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। अरे वो इच्छा में ही तो कलयुग बैठा है, ऐसे ही तो वो लोगों को तोड़ रहा है, तो आपको वहां क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, हमें अपने महामंत्र पे विश्वास है, कल की महामंत्र पे विश्वास है। और जो इच्छाओं की कामना कामना करके महामंत्र पढ़ा जाए, आपको पता है वो कलयुग खा लेता है उसको, वो आप अपनी आत्मा बेच देंगे उसको। आप समझ रहे हो? ये चीज मेरे कानों में पड़ी, इतना कष्ट हुआ, हाँ इतना कष्ट हुआ कि आप लोगों को, आप लोग ने इतनी मेहनत की है तो आप लोगों को ये इच्छा बड़ी है कि प्रभु के दर्शन। आप सोचो कि कितना समय बीत जाता है, प्रभु के दर्शन कोई नहीं कर पाता है, कितने हजारों साल, ना जाने कितने साल, कितने जन्म लेकर वो भक्ति कर कर, तपस्या करके, साधना करके वो यहाँ तक लोग पहुँचते हैं कि भगवान को उनको एक झलक बार दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हमको तो भगवान अपने साथ ले जाने आए हैं, उनके दर्शन से बड़ा और क्या है? जिसको प्रभु मिल गए उसका तो सब कुछ वैसे ही हो जाता है, जिसको प्रभु के दर्शन मिल गए। और आप लोगों को चुना है भगवान ने, आपको चुना है, उनको आपसे विश्वास है। और वही भक्त अगर इच्छाओं पालेंगे, मजाक करते रहेंगे कि हाँ अरे बहन जी आप ये पढ़ लीजिए, भाई साहब आप ये भी पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी, तो क्या चल रहा है यहाँ पर कि आप लोग एक मंजिल पर निकले, मकसद है आपका, एक लक्ष्य है, बीच में अगर समोसे का ठेला है, शादी हो रही, वहां नाच रहे, ये समय बर्बाद नहीं तो क्या है? प्रभु तो खड़े हैं दोनों हाथ फैलाकर, आओ आओ। जब भगवान देखते हैं, देखो ये हमारे बच्चे आखिर फंस ही गए सब में, माया में, उनको लग रहा है कि अरे देखो दूसरे लोग रास्ते में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बहुत अच्छे से वो सब कर रहे हैं, आपको उनको देखना और सीधा अपना नजर जो लक्ष्य पे केंद्रित करना कि हमें नहीं चाहिए प्रभु ये सब। वो भगवान तो माया फेंकेंगे ना आपके सामने कि चलो माँ अभी ये कर रहे हो तो करते करते इंजॉय भी कर लो। जब तक आप इंजॉय को पकड़ते रहोगे तो कैसे आपको वो होगा? कोई भी कहे, आपको विश्वास होना चाहिए। यही तो परीक्षा का समय है भक्तों के लिए। जब भगवान आप लोगों को ये परीक्षा, तो भगवान को भी तो खुशी होती है, जैसे आपको पूरा विश्वास है अपने कल्की जी पर, तो क्या कल्की जी को विश्वास करने का हक नहीं है कि वो भी सीना ठोक के बोलेंगे कि ठीक ठीक है कलयुग तू ले ले अंतिम परीक्षा मेरे भक्तों की, मैं भी तो देखूं मेरा कितने सच्चे भक्त हैं जो 50, 60, 100 साल से वो करते हुए आ रहे नाम जब भी, है ना? तो कौन है ऐसा कि जिसके मन में अभी भी, तो थोड़ा भी अगर मन में इसके एक इच्छा वो पली है तो वो तो फिसल जाएगा, चला जाएगा। कि किसी ने बोला कि ये महामंत्र पढ़ लो इसके साथ, तो आपको क्या कहना चाहिए था वहां पे? ये आपकी परीक्षा नहीं तो और क्या है? नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं चाहिए, हमें कल्की जी चाहिए और हमें अपने महामंत्र पे विश्वास है। आपको कितना महामंत्र पे विश्वास है, इसी की परीक्षा थी, इसी की परीक्षा है। और आप लोगों को हर चीज त्याग करना होगा, मोह माया त्याग, आपके परिवार को भी समर्पण कर दीजिए भगवान को, क्योंकि वो इस युग में तो इस समय आपके रिश्तेदार या कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरा मेरा मत करिए, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे चाचा का लड़का, मेरा मेरा कौन क्या होता है? जब प्रलय आएगी ना तो वही आपका हाथ छुड़ाकर भागेंगे। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, सब भगवान के, ये बोलिए वो कल्की जी का है, सब भक्त हमारे हैं, कोई एक या दूसरा नहीं। ये मेरा को त्यागना है, आपको मेरा त्यागना है, आपको आज से यही कहना है मेरे सिर्फ कल्की और कोई नहीं, और सबको रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है, सब करना है, लेकिन ये मेरा को त्यागना है। जहाँ मैं आता वहीं अहंकार ले लेता है। आपको मेरा मैं भी समर्पण करना है कि आज से जो मेरा है प्रभु वो आपका हुआ। अगर मेरे मुख से कभी गलती से मेरा निकलेगा भी तो मैं ये समझूंगा कि वो मेरा, आप ही स्वयं मेरे अंदर विराजमान होकर ये कह रहे वो मेरा है। आप लोगों को ना मेरा करना है, आप लोगों की बहुत परीक्षा ली जाएगी, फिर मत कहना कि हमने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया कल की जी आपका, लेकिन आप लोगों ने अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया। आप कल की महामंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग का जो भगवान के प्रति समर्पण विश्वास पूरा नहीं है। जो लोग आज भी इच्छाओं की कामना करते कि चलो ये तो है दूसरा भी हो जाए, क्यों? सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे, 10 नाम हमारा नाम हो जाए। कि आप लोगों को ये भी तो इच्छा होती है ना कि हमारी तारीफ हो जाए, अगर अपमान हुआ। आप सबको इस सबसे ऊपर उठना है। जिसके मन में भी कामना है कि किसी के बोलने से ठेस पहुंच रहा है, किसी के बोलने से खुशी पहुंच रही है, तो वो भी है, वो भी बहुत जो कलयुग की निशानी है। तो आप खुद ही सोचिए, जब तक आप ये सबको त्याग नहीं करेंगे तो कलयुग आपकी मन बुद्धि वाणी पर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी महामंत्र पढ़ लीजिए। लेकिन जिस दिन आपने त्याग किया और बस ये रोकर प्रभु को बोला कि आज से मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं, मैं सब कुछ अपना जीवन सब कुछ आपके नाम करता हूं प्रभु, आज से मैं भटकूंगा भी नहीं, तो आप करो, आपको कोई कुछ भी नहीं होने देंगे। प्रभु आपकी सारी इच्छाओं का जिस समय आपने सच्चे अंतर आत्मा से त्याग कर दिया, आप विश्वास करना
आपको वो अनुभव होंगे जो आज तक इतने सालों में आपको नहीं हुए, और साक्षात दर्शन ना मिले तो कहना, क्योंकि दर्शन का ही समय है। इसलिए प्रभु ने आज मुझे यहाँ पर भेजा और एकदम से मुझ में एक चीज़ आई। मैंने बोला कि मैं संजू दीदी को बताती है, लेकिन कहा नहीं, तुमको वहाँ पे ग्रुप में ही भेजना है। ना जाने इसको कौन सुन के उसकी जो है वो, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये समय मजाक का नहीं है। प्रभु दर्शन देना आरंभ करेंगे, फिर जो रह गया फिर मत कहना। प्रभु इतना समय इसलिए लगा रहे थे कि जो अभी तक मेरे भक्त समझ जाएं, अभी तो समझ जाएं। आप सब प्लीज़, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के आपके आपसे प्रार्थना करती हूँ, सभी इच्छाओं का त्याग कीजिए, सिर्फ कल की भगवान को पुकार करिए। आप लोग सीरियस हो जाइए। सीरियस मतलब ये नहीं कि एकदम से वो कर लिए, नहीं नहीं वैसा नहीं, एकदम सीरियस कैसे भगवान को पुकार करने का। प्लीज़ भगवान दर्शन देना आरंभ करने वाले हैं, और वो जब तक, और आप ही लोगों को दुख होगा अगर आप लोगों को वो अभी भी दर्शन देंगे ना, तब आप लोगों को अपने अंदर से ना गिल्ट ना महसूस हो कि भगवान बताओ आप तो इतना प्रेम करते थे हमसे और हम किस में फंसे थे। तो भगवान इतना प्रेम करते कि आप लोग को वो ना ऐसे शर्मिंदा भी नहीं देखना चाहते, सोचो, है ना। तो भगवान को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान तो हम सबके बिना भी पूरे हैं, हम सब उनके बिना अधूरे हैं, हम सब भक्त उनके बिना अधूरे हैं। दुनिया के पूरी, बल्कि ऐसे सैकड़ों दुनिया की भी दौलत रख दी जाए सामने, तो भी हमारे कल्कि जी के दर्शन के आगे वो चींटी के समान है। वो हमारे लिए क्या करने आए हैं, कितना कल्पना के परे भक्तों के लिए वो समय आ रहा है, और आप लोग इस कलयुग की माया में लगे हैं। मत लगिए, प्लीज अपने महामंत्र पर विश्वास कीजिए, किसी पे भी वो भरोसा मत कीजिए। कोई भी, बहुत सारे लोग भक्त बनकर आएंगे आपके सामने, या कोई भक्त है उसी पर कलयुग वास होकर आपकी परीक्षा लेने आएगा, आपको बहकाने आएगा। अगर आप बहक गए तो आपको खुद ही स्वयं पता चल जाएगा, ठीक है, फिर भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको स्वयं अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ पर, क्योंकि आपको जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम जितना हम डिज़र्विंग होते हैं, अगर उससे हमें ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं होते, अगर हमें उससे ज़्यादा मिला जाए तो हमें ही वो एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है हम इस लायक नहीं है प्रभु। तो लायक बन जाइए ना, लायक बन जाइए, बस मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि प्रभु तो सबको बहुत प्रेम देना चाहते हैं, बहुत कुछ करने आए, बहुत सारी लीलाएं अब सामने होंगी। हम कहते हैं ना अपने दरबार प्रकट करें, अपने दरबारी प्रकट करें, अपने भक्त प्रकट करें, अपनी लीलाएं प्रकट करें, तो वो यही करना चाहते हैं। अब सबको साथ में रखकर फिर लीला करना चाहते हैं पूरी दुनिया पे। अब वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, अब समझ रहे हो ना, अब सत्य सनातन धर्म हमारा जो भक्तों का एकत्रीकरण, भक्तों के एकत्रीकरण से ना जाने आप देखना कि क्या क्या होता है। बहुत ही बड़ा भगवान ने खूबसूरत ये जो प्लानिंग की है भक्तों के लिए, बहुत कल्पना के भी परे, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना इतना इतना। और आप लोग कहाँ, ये बस भगवान तो अभी तक परीक्षा ले रहे थे ना, तो किसी के बहकावे में मत आए। आप जो है स्वयं उस पर भरोसा करिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भले आप सब लोग मेरा कोई भी, मतलब कोई भी बोले कि अरे ये कर लो तभी दर्शन, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं प्रभु को समर्पित हूँ। जैसा जो करवाना है प्रभु स्वयं से मुझसे करवा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भले दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो रहा हो, पर मुझे विश्वास है मेरे प्रभु इसी घर से, इसी रूम से, इसी जगह से मुझे उठा ले जाएंगे जहाँ एकत्रीकरण हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भगवान के हर परीक्षा में सफल होऊंगा, और ये परीक्षा में सफल होने को भी समर्पण भगवान को कर दीजिए कि भगवान आप जो भी परीक्षा ले, ये कलयुग आप जो भी परीक्षा ले, हम तैयार है देने के लिए, लेकिन हर परीक्षा को सफल करने में आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, और आपकी बुद्धि में हमारी बुद्धि हो जाए, समा जाए, आप हमारी मन बुद्धि वाणी में बैठ जाइए। और ये कब होगा? जब आप त्याग करेंगे। सबसे बड़ा है त्याग, सब चीज़ का त्याग कर दीजिए। एक बार करके तो देखिए, आपको इतना आनंद आएगा जितना कभी नहीं आया। और त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सन्यासी बन गए चले गए, नहीं, अब वो समय नहीं है। त्याग का मतलब बस यही होता है कि आपको, आपको स्वयं ही वो चीज़ों से अब दुख नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। आप मन देखिए, सिर्फ कल्कि जी से प्यार करिए, क्योंकि वो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, अब बहुत सारी परीक्षाएं जो है आप सब लोग की चलती आई हैं, ये अंतिम परीक्षा है, और ये अंतिम परीक्षा इतनी भारी होगी कि बहुत भारी होगी। जो इसमें सफल हो गया आप देखना, शीघ्र दर्शन प्राप्त होंगे उन सबको, क्योंकि दर्शन देना प्रभु आरंभ करने वाले हैं, यही घोषणा करने के लिए ये मैंने ये ऑडियो भेजी है। तो किसी के उसमें ना पड़े, खुद के महामंत्र पर, खुद के ऊपर, खुद की भक्ति पर, खुद ने जो आज तक किया है, खुद के अंदर जो विश्वास है, खुद के अंदर जो समर्पण है प्रभु के प्रति, वो सबको एक बार अंदर जाकर देखिए और प्रभु के ऊपर विश्वास कर दीजिए और समर्पित हो जाइए। फिर देखिए कि क्या होता है,
फिर कोई भी दुनिया का आपको हिला नहीं पाएगा। कितनी भी परीक्षाएं आपकी और हों, वो कोई भी, वो आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि कलयुग आएगा उनके अंदर बैठ के। कोई कहेगा आपके भक्तों के बीच में से उठ के कहेगा मैं ही कल्कि हूँ, आप समझ रहे हो ना। कोई भी कैसा भी कुछ भी षड्यंत्र रख कर आ सकता है, आपको सबको परास्त करना है अपनी अंदर की भक्ति की शक्ति से। अब देखते हैं कि किस में क्या है, और भगवान सीना ठोक के उसको गले लगा लेते हैं। बोलते जब भगवान सबके सामने कहेंगे ना ये है मेरा असली भक्त, तब सोचो वो क्या होगा जब प्रभु के मुख से ये निकला, है ना। तो बस यही था। जय धन्यवाद प्रभु आप सबको, आपने जो भी बुलवाया संपूर्ण समर्पण है कल्कि भगवान जी आपको, संपूर्ण समर्पण है माता रानी, संपूर्ण समर्पण है। जय श्री कल्कि भगवान की, जय माता दी, हर हर महादेव। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते।